कभी कभी आपके मन में ये प्रश्न अवश्य उठता होगा कि ये प्रेम क्या है, कैसे समझा जाए इसे। उत्तर बड़ा ही सरल है। जब तक आप प्रेम करोगे नहीं, तब तक आप प्रेम को समझोगे नहीं। आप जान ही नहीं पाओगे कि प्रेम होता क्या है, क्योंकि प्रेम पाने से ज़्यादा ज़रूरी है किसी को प्रेम देना। शायद इसीलिए किसी का प्रेम पाना आसान नहीं होता, क्योंकि प्रेम पाने के लिए पहले प्रेम करना पड़ता है। पर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास होता है उसका महत्व ही नहीं समझते, उसका ख्याल ही नहीं रखते। हमेशा बेहतर पाने की कोशिश में रहते हैं, और होता क्या है, एक बेहतर पाने की कोशिश में हमारे वो सारे अपने हमसे ही पीछे छूट जाते हैं। हम लोगों में सुंदरता ढूंढते हैं, उनकी बाहरी आकर्षण से मोहित हो जाते हैं, और इस सुंदरता के आवेश में हम उन्हें भी खो देते हैं जो हमारे पास होते हैं। किसी व्यक्ति की सुंदरता उसके आचरण में होती है, उसके चरित्र में होती है, उसके हृदय में होती है। अगर आपका हृदय पवित्र हो तो आपकी सुंदरता आपकी जुबान पर होगी। हमेशा आपको सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। परंतु जो व्यक्ति चरित्रहीन होता है, वह चेहरे से चाहे जितना भी सुंदर क्यों ना हो, पर वह व्यक्ति अपने ही लोगों में अपना सम्मान खो देता है। प्रेम बहुत पवित्र शब्द है, इसके साथ खिलौने की तरह ना खेलें, वरना किसी का प्रेम पाने के लिए जीवन भर तरसते रह जाएंगे। प्रेम का चुनाव आपका था, इसलिए आपका प्रेम सिर्फ उनके लिए होना चाहिए जिनसे आप प्रेम करते हैं। भटकने से सिर्फ प्रेम ही नहीं, बल्कि आपका संपूर्ण जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो चलिए समर्पण कीजिए अपने अहंकार का, अपने हीन भावना का, अपने मोह का, और देखिए आपका प्रेम स्वयं आपके साथ होगा। मन आपका प्रसन्न होकर बोलेगा, राधे राधे।